फोन पे में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है नो अकाउंट फाउंड और बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है नो अकाउंट फाउंड। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसका रीजन क्या है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो रीजन रहता है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आता है। पहला रीजन यहाँ पर यह रहता है, फोन पे ऐप में ही कोई भी टेक्निकल एरर या इशू रहता है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का या ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप लिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन आएंगे सभी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है फोन पे और फोन पे एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्लियर कैचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फोन पे ऐप का यहाँ पर क्लियर कैचे करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोन पे ऐप का क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कहना है। उसके बाद आपको बैक आना है। अब जो है आपको फोन पे ऐप को अपडेट करना है, चेक करना है फोन पे में अगर अपडेट आया है तो आपको अपडेट करना है। इसके लिए प्ले स्टोर ऐप ओपन करेंगे। अब जो यहाँ पर सर्च बारे में आपको सर्च करना है फोन पे। अगर आपके मोबाइल में फोन पे पर यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। उसके बाद आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है फिर से आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर फोन पे में कोई भी किसी भी रीजन से अगर यह प्रॉब्लम आ रहा था नो अकाउंट फाउंड का, तो अब यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब आपको फिर से जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, बट अगर फिर भी यहाँ पर यही रीजन देखने को मिलता है, यही एरर शो करता है नो अकाउंट फाउंड का, इसका दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपके जो है बैंक अकाउंट में या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है। यहाँ पर शो कर रहा है प्लीज़ चेक डैट यू आर यूजिंग द सेम फोन नंबर ऑन फोन पे एज द वन रजिस्टर विथ योर बैंक। इसका साफ साफ मतलब यह है जो फोन पे मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है यही मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। बैंक में और फोन पे में दोनों सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर होगा। कई बार बैंक में कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है तो ये आपको ध्यान देना है, अपने बैंक में चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर एक मेरा अकाउंट है यूनियन बैंक में और इसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फोन पे में है, तो इसमें यहाँ पर यह बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फोन पे में होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, कई बार हमारे अकाउंट में कोई दूसरा मोबाइल नंबर चेंज रहता है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर ऐड रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा अकाउंट ऐड नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रांच जाना पड़ेगा, अपने ब्रांच जाकर पता करना पड़ेगा आपके अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो ये आपको ध्यान देना है, और ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है, उनके बैंक अकाउंट में कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है, तो आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर चेंज करने वाला एक फॉर्म लेना है, और जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फोन पे में रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपको इंटर करके फॉर्म सबमिट करना है, जिससे कि आपका अगर UPI सर्विस भी इनेबल नहीं होगा तो UPI सर्विस भी इनेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप फोन पे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।